नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों देखो, हमने अभी कल परसों ही प्लांट्स की कटिंग करी थी, तो देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ इधर। और इन प्लांट्स की भी कटिंग करी थी, और ये जो लॉन का घास है उसकी भी काफ़ी सफाई करी। काफ़ी एक्स्ट्रा घास होता है जो, वो काफ़ी जम गया था यहाँ पे, और कटिंग करने के बाद प्लांट्स काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो वेस्ट पे होने वाला है कि वेस्ट का यूज़ करके हम कैसे। और यहाँ पे ये देखो, ये मोर पंखी का प्लांट भी कितना खूबसूरत सा लग रहा है, बहुत ही सुंदर। कि कैसे जो घर में पड़े हुए वेस्ट होता है उसका यूज़ करके हम अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो ये ना एक अमरूद की टहनी है, तो किसी वजह से उस अमरूद के पेड़ को थोड़ा हमें मतलब थोड़ा थोड़ा कट करना पड़ा, मतलब जिसे कहते हैं हार्ड प्रूनिंग। तो हार्ड प्रूनिंग करी थी, और अमरूद की लकड़ी तो काफ़ी मजबूत होती है ना, तो मैं इसको इसका कुछ जुगाड़ करते हैं हम। जुगाड़ क्या होगा, यही कि मतलब हैंगिंग जो प्लांटर्स होते हैं वो इसमें मैं लटकाऊंगी। पहले मैं हमेशा यहाँ पे हैंग करती थी, यहाँ पे हमारी जगह थी ना हैंग करने की, तो ये इनमें हैंग कर देती थी इनमें। इस बार नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे डांट नहीं खानी है, इससे मैंने ये जुगाड़ मानूंगी तो हूँ नहीं मैं, इससे मैंने ये जुगाड़ लगाया है। तो इस तरह से कुछ पेड़ की शाखाएँ होती हैं जो थोड़ा इस तरह से होती है ना, तो इससे हम अपने हैंगिंग के लिए, जो हमारे हैंगिंग प्लांटर्स होते हैं ना उनके लिए बना सकते हैं। और मैं इसके बीच में रखने के लिए यहाँ पे एक इसी की ही लकड़ी ले आई हूँ, तो मैं इसे कहाँ पे हैंग करूँगी मैं आपको हैंग करने के बाद ही बताऊँगी, क्योंकि एक हाथ से कैमरा पकड़ना और एक हाथ से हैंग करना सही नहीं होगा। और मैं इसमें कोल्ड ड्रिंक की बॉटल से ही जो फ्री के प्लांटर होते हैं वो हैंग करूँगी। तो मैं बताती हूँ आगे आपको कि मैं उसमें कौन कौन से प्लांट लगाऊंगी। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं कि कोई भी आपको कोई लकड़ी का इस तरह से कोई सूखी टहनी मिल जाए। कभी किसी वजह से हमें काटना ही पड़ता है कोई पेड़, मतलब हमने हार्ड प्रूनिंग करी है, पूरा नहीं काटा है उसको, काफ़ी हार्ड प्रूनिंग कर दी है प्लांट की, बहुत ही बड़ा हो गया था तो मैंने उसकी ब्रांच भी यूज़ कर ली है, ये सूख गया है और मैंने इसको वॉश कर दिया है अच्छे से। तो मैं इसे नेचुरल ही रहने दूंगी जैसे ये है। मैं इसमें देखती हूँ अगर कलर किया तो, वैसे करूँगी नहीं कलर, कलर मैं सिर्फ बॉटल्स में करूँगी। तो चलिए देखिए आगे क्या करते हैं। और देखिए यहाँ पे मैंने सारी बॉटलों में पेंट कर लिया है, बोतलें डब्बे जो भी मुझे मिला उनमें पेंट कर लिया है यहाँ पे ये। और ये है टेरिकोटा का कलर, ये 150 रुपये का एक डब्बा आता है और काफ़ी सारे पॉट में हो जाता है इससे पेंट, तो मैं यही वाला पेंट मंगाती हूँ हमेशा। ये ब्लू कलर है, अब ब्लू कलर से इनमें डॉट डॉट करती हूँ कलर। और यहाँ पे है सॉइल मिक्स रेडी हो गई है मेरी, इसमें मैंने मिलाया है गोबर की खाद। और ये पर्सलिन की कटिंग है, जो पर्सलिन की कटिंग ये मैं नीचे मैंने ज़मीन में लगा रखी थी वहाँ से उखाड़ कर ले आई हूँ सारी, तो इनको ही लगाऊँगी मैं। तो ये सब इनमें तो जड़ें आई हुई हैं अच्छे से, तो बहुत जल्दी हो जाएंगी ये। अब हम कर देते हैं इसमें डॉट डॉट। मैंने तो इसमें ये डॉट डॉट कर दिए, आपको जो पसंद हो आप वो कर सकते हैं, और कोई और कलर पसंद हो तो और कलर कर सकते हैं। मेरे पास यही कलर पड़ा था तो इसलिए मैंने यही कलर कर दिया, ये थोड़ा मिक्स मैच अच्छा लग रहा है, देखो कितना सारा। और इसी तरह हम अपने, मैं सारे में नहीं कर रही हूँ, कुछ कुछ बॉटल्स में इस तरह से डॉट डॉट कर देंगे, देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो इसको लाइट वेट बनाने के लिए मैं इसके नीचे पहले सूखी पत्तियाँ भर देती हूँ, क्योंकि हैंगिंग्स में क्या होता है वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो इसलिए पहले इनमें सूखी पत्तियाँ भर देते हैं हम, और बाद में वो खाद भी बन जाएंगी। तो तब उसके बाद हम मिट्टी भरेंगे, तब मिट्टी कम भी लगेगी। सारे हैंगिंग्स में पहले मैं सूखी पत्तियाँ भर दूँगी, सूखी सूखी पत्तियाँ, कुछ फूल हैं कुछ सूखी पत्तियाँ हैं गार्डन की, तो पहले वो भर देते हैं, तब उसके बाद मिट्टी भरेंगे। और ये वायर लिया है मैंने हैंग करने के लिए, हमारे यहाँ ये 20 रुपये का मिलता है, 20 रुपये में बहुत ज़्यादा मिलता है, मैंने पिछली बार भी यही यूज़ किया था,
काफ़ी सारे उसके लिए। पर ये देखो ये अब छोटे हो गए ना, तो अब ये किसी और चीज़ में यूज़ होंगे और इनके लिए बड़ा चाहिए, तो यहाँ मैंने ये इसको कर दिया है। चलिए कुछ बॉटल्स तो मैंने हैंग कर दी है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। कुछ को अब करते हैं हैंग। देखो इसे कहाँ लगाती हूँ मैं, इन सबको काम करते करते काफ़ी सांस भी फूल गया है, इतनी मेहनत का काम करना होता है ना, तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, मुझे तो मतलब बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। कुछ और हैंगिंग्स बचे हुए हैं उनको भी लगा देती हूँ। तो यहाँ पे लगाए हैं मैंने ये। इस तरह से अगर आपके यहाँ भी कोई हो ना पेड़ की लकड़ी वगैरह ये, तो उससे आप भी अच्छा हैंगिंग स्टैंड बना सकते हो, वो भी फ्री में, कोई भी एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। और मैंने, आप देख रहे होंगे कि इसमें कलर नहीं किया है, तो मैंने सोचा इसे नेचुरली रहने देती हूँ अभी फ़िलहाल, फर्स्ट टाइम तो नेचुरल, और नेक्स्ट टाइम कोई कलर कर दूँगी इसमें, तो मुझे अच्छा हैंगिंग स्टैंड मिल गया है। मैं हर तरफ से दिखा देती हूँ आपको कि कैसे लग रहे हैं ये, कितने खूबसूरत लग रहे हैं सारे साइड से। ये देखो इस साइड से ऐसे लग रहे हैं, और फ्रंट से ऐसे लग रहे हैं, और साइड से ऐसे लग रहे हैं। कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा लग रहा है, येलो और ब्लू हैंग कर सकते हैं और अपने गार्डन को कुछ नया लुक दे सकते हैं। देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं, मुझे तो ऐसे ही लगा कि इस तरह से हैंग कर दूं, तो मैंने हैंग कर दिए हैं। और हैंग करते हुए वीडियो मैंने इसलिए नहीं डाला कि एक हाथ से कैमरा पकड़ना और एक हाथ से हैंग करना तो थोड़ा मुश्किल होता है, तो इस बार मैंने चेंज किया है काफ़ी। मैंने पहले बता दिया था आपको कि पहले मेरे हैंगिंग कहाँ रहते थे और इस बार मैंने कहाँ करे हैं, और सब में मैंने पर्स दिन लगाए हैं। पर्स दिन आपको ऊपर वाले में दिख रहे होंगे कि पर्स दिन की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रखी है और नीचे किसी में हो ही नहीं रखी है, तो वो बीच से जमे थे बहुत सारे पर्स दिन, और ये मैंने कल पहले ही निकाल के रख दिए थे, इसे थोड़ा मुरझा गए हैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और आपके प्यार और स्नेह के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।